Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days. Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, good morning. तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं. सो आज है फ्राइडे और आज ना मैं काफ़ी दिनों से सोचा हुआ एक काम कंप्लीट करने वाली हूँ और ये जो अलमारी है ना इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ. दिवाली के बाद से मतलब दशहरा दिवाली सारा कुछ इसी से मेरा मतलब यूज़ हुआ है और उसके बाद ना जो बोला जाता है ना ठूस ठूस के सारा सामान भरा हुआ है. बास्केट से जो कपड़े का जो पैकेट होता है वो सबसे निकला तो है बट फिर से उसके अंदर नहीं गया है तो सारा ना अभी ना निकल के बाहर आ रहा है. तो अभी इसको मुझे ठीक करना ही है तो वही मैं आज मतलब काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो आज मैं करूँगी ही. तो चलिए पहले इसको खाली कर लेते हैं. तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ. कृति का जस्ट क्लासेस स्टार्ट हुई है और तो अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, 2 घंटा तो है ही और तनु का ऑफिस स्टार्ट होने में भी 2 घंटा है. तो ये 2 घंटे में मैं इस काम को ख़त्म करूँगी. तो सबसे पहले मैं अलमारी को खाली करूँगी, उसके बाद उसको रीअरेंज करूँगी. मेनली ना ये 3 जगह बिगड़ा हुआ था. ऊपर तो ये सारा कुछ मैंने उसमें रख दिया था बास्केट में तो ये इतना बिखरा हुआ नहीं है. सो ऊपर ठीक ठाक है और नीचे मेरा वो भी ठीक है. सो क्वीट वगैरह रखती हूँ नीचे तो वो भी ठीक ठाक है. एकदम नीचे ना बेडशीट वगैरह जहाँ पे रखती हूँ ना वो जगह थोड़ा सा बिखर गया है, उसको भी मुझे ठीक करना है. सो ये 3 जगह और नीचे का पोर्शन मुझे ठीक करना है, इसको भी मैं ठीक कर लूँगी बट इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है. और अभी मुझे ना कुछ कपड़े आयरन करने हैं, कुछ नहीं बहुत सारा कपड़ा, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए थे उसको बिना आयरन किए ही, क्योंकि दिवाली और दशहरा उस टाइम पे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसके बाद रखने का इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर के बहुत सारे काम भी रहते हैं. और उसके बाद मेरा जाने का भी प्लानिंग था तो उस टाइम पे भी मैंने कुछ भी नहीं किया था. बट अभी टाइम है कि मैं अलमारी को ठीक करूं, नहीं तो एक भी कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी. तो सबसे पहले मैं आयरन का काम जो है कम्प्लीट करूँगी, उसके बाद उसको अरेंज करूँगी. और बेड के नीचे भी मेरा कुछ कपड़ा रहता है, जैसे साड़ी वगैरह रहता है, पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह, तो वो निकला था. और ये कृति का एक ड्रेस है, ये भी बहुत जगह ले लेता है. सो ये सब ड्रेस मैं बेड के नीचे ही रखती हूँ और ये जब बाहर निकलते हैं ना और इसको जब मैं अलमारी में रख देती हूँ ना तो बहुत सारा जगह ले लेता है. और मैं बास्केट में अरेंज करके रखती हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो ऑलरेडी है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे है मेरा अलमारी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो. कृति की अलमारी के ऊपर भी एक वीडियो है, सो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो. और इस तरह से कपड़े रखने से ना कपड़े बहुत दिनों तक ऑर्गेनाइज रहता है. और हाँ, जैसे कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ ओकेशन हो, उस टाइम पे जब कपड़े निकलते हैं ना तो उसको जब तक मैं अपनी जगह पे ना रखूँ अलमारी बिल्कुल सही नहीं होता है.
ओके, तो अभी टाइम हो गया है 12 o'clock और यहाँ से ना बहुत तेज हवा आ रहा है। सो अभी जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ना मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, बट आयरन करने के चक्कर में ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और यहाँ पे कृति का क्लास चल रहा है। और आजकल ना कैमरा ऑन करके बात करना मेरा होता ही नहीं है। एक तो कृति का क्लास चलता रहता है और कभी अतनु कॉल पे रहते हैं, तो ज़्यादातर टाइम मुझे डबिंग में ही करना होता है। आज मैं लंच में रोटी खा रही हूँ। जिस दिन मुझे थोड़ा बहुत काम रहता है ना, मैं रोटी ही खाती हूँ, मुझे हल्का लगता है और एकदम ही नींद नहीं आती है। नहीं तो मैं खाना खा के ही सो जाती हूँ, इतना नींद आता है मुझे। और ऊपर ये कॉर्नर पे जो कुछ स्टैंड था उसको मैंने हटा दिया है, और ये जो बास्केट का लिड है ना वो मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मैंने कपड़े को हैंग कर दिया है। जगह है ना, यहाँ पे मैंने अपने सारे टॉप टी शर्ट वगैरह हैंग करके रख दिया है। और ये वाला पोर्शन पूरा खाली है, यहाँ पे और भी मैं रख सकती हूँ, और नीचे का भी मैंने एकदम खाली छोड़ दिया है। और ये बास्केट वाला ही अरेंजमेंट मैंने रखा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरे लिए, बहुत ईजी होता है। और नीचे जो है ना ये एक कॉम्फर्ट रख दिया है एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के। और यहाँ पे है दो मेरा कॉम्फर्ट, जो ये दो नीचे वाला क्विड और ऊपर का दोहर, ये दो मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक बैग के अंदर, इसमें मेरे कुछ सलवार वगैरह हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए, और मैं वेट कर रही थी कब अतनु फ्री हो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। Won't stop for traffic lights. बहुत दिनों के बाद बाहर आए हैं। सो बाहर जितने सारे प्लांट्स वगैरह है ना, और सारा कुछ ना ऐसे जैसे एक लेयर आ गया है धूल का, एक फ्रेश नहीं लग रहा है ना प्लांट्स वगैरह। वहाँ पे ना एक शिव जी का मंदिर बन रहा है, और हमारे घर के आसपास ना एक भी नहीं था। सो ये बन रहा है, पता नहीं कब तक ये कम्प्लीट होगा। Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. शॉपिंग भी है, वो है मोमो। और अभी हम लोग यहाँ पे तो खा नहीं सकते हैं, सो घर जाके खाएंगे, है ना। बहुत दिनों के बाद कृति आई है साथ में हम लोग, मतलब बहुत दिनों के बाद शायद कृति निकल रही है, क्योंकि लास्ट वीक को जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत फ्रेश फील हो रहा था, तो इसीलिए सोचा कि कृति को भी लेके आते हैं, थोड़ा बहुत वो घूमेगी तो अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ पे ना शाम को ऐसे धुआं देते हैं मॉस्किटो वगैरह के लिए, नीचे भी देते हैं, स्नैक्स वगैरह रहता है इसके लिए, एसिड स्प्रे करते हैं, और जस्ट आके मैंने दिया किया है। और यहाँ पे मैच चल रहा है, और बाहर ना हवा बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं ठंड तो लग रहा था बट अभी मुझे ना बाहर का हवा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है यहाँ पे। शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है, कैमरे पे ना ऐसा लग रहा है अभी शाम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, इतना पता नहीं चल रहा है कैमरे से। और ये देखो अतनु मैच एंजॉय कर रहा है। इसको ना एकदम ऐसे पूरा माइक्रोवेव में डाल देना है। Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.